ये खरीदने वाला भी बोलता है और काम करने वाला भी बोलता है। महिंद्रा ने क्या सोच के गाड़ी बनाया। ले फंस गया लगता है, एक मिनट फंसने वाला। नीचे से केबल टाई कैसे टूटा है तो बताना कवर को। केबल टाई? हाँ वो कवर को, कवर को। हाँ ये तो बांधा हुआ है। और कैसे निकला तो बताना, बांधते अपन। तो अभी देख सकते हो ना आप, इसके जो थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स लिटरली मेरा एक उंगली पूरा अंदर फिट हो रहा है। बिल्कुल भी टायर घसा नहीं है, और ऐसे नहीं कि घस रहा है, बट घस रहा है बट धीरे धीरे, ग्रेजुअली। बहुत तगड़ा टायर है, बहुत ज़्यादा तगड़ा। तो ये अपने को हाईवे पे भी काम आता है और ऑफ रोडिंग में भी 100% काम आता है, क्योंकि इसकी कुशनिंग और ग्रिप बहुत ही सही है। तो चलो अभी ट्रायल लेना है कि कितने आड़ी टेढ़ी वाकड़ी दिखड़ी गाड़ी चलती है, देख लेते हैं। पहले क्या था सर कि रस्सी से ही काम होती थी, पर अभी वो टेप से की हुई मशीन बंद है क्या? मशीन चल रही है, उससे ठीक किया है। चलो अभी अपन चला के देखते हैं कि सीधी जाती है टेढ़ी जाती है। अभी अभी अपनी अलाइनमेंट पूरी हुई नहीं है कि लेफ्ट साइड पुलिंग है गाड़ी में, तो वो अभी चेक करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। लगभग पूरे प्रोसेस में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग गए। अभी दोपहर के 3:30 बज गए और उनको भूख लगी है बहुत। ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम लेती हैं, कभी कभी अब 10 मिनट में भी हो जाती है, कभी कभी टेक आवर्स। सो लेट्स सी कितने टाइम और लगता है यहाँ पे। ये वो योकोहामा का ऑथराइज डीलर है, साई बैटरी एंड टायर्स। तो अभी गाड़ी एकदम सीधी जा रही है, ना लेफ्ट ना राइट, एकदम मस्त हो गया है।
स्टेयरिंग अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट। अभी अपने को भूख लगी है तो यहाँ पे जहाँ पे अपना एकदम पुराना अड्डा है वहाँ पे जाके मिसल पाव खाएंगे। तो किस किस को मिसल पाव पसंद है ना तो ऊपर कर। अभी देखो एकदम मस्त सीधा जा रहा है गाड़ी। तो सबको ये कैमरा अलग लगता है। हाँ मोबाइल पे होता है जहाँ से उसको कनेक्ट करेंगे ना। भाई पूछ रहे कैमरा कहाँ से कनेक्ट करना मुझे बताना। ये तो दुकान। अभी यहाँ पे अपन बैठे हैं मिसल पाव खाएंगे और उसके साथ में समोसा खाएंगे, यहाँ का सबसे फेवरेट है। अपनी गाड़ी यहाँ पे मस्त एकदम पार्क्ड है, कोई टेंशन नहीं, खा पी के मजा नहीं लाई। बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो अभी अगर आपको मेरे आगे रोड दिख रहा है काफ़ी रफ पैचेस है, मतलब ये उबड़ खाबड़। तो चलो अभी मैं वर्डिक्ट देता हूँ कि योकोहामा के टायर्स कैसे हैं। योकोहामा प्रिसाइसली योकोहामा जियोलैंडर GO15 ये टायर का मॉडल नंबर है और उसका मतलब रोड ग्रिप है 80 ऑल टेरियन और उसमें और एक आता है HT हाईवे टेरियन। तो स्पेसिफिकली ऑल टेरियन आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग देंगे अगर आपको मतलब ऑन एंड ऑफ रोड गाड़ी चलानी है तो। और उसमें भी कैसे हैं, इसमें अभी प्रोस तो बहुत कुछ है, जैसे कि खड्डों में गाड़ी पता नहीं चलती है जाती तभी एकदम मतलब ग्लाइड करती है। हाई स्पीड में भी, हाई स्पीड मतलब इन व्हाट सेंस कि 90-100 KPH। इसमें गाड़ी के बीच में अगर कोई भी रोड जो ब्रेक रहता है, खड्डा मतलब टूटा हुआ रोड रहता है उसके ऊपर से भी जाती है तो अंदर कुछ भी समझ में नहीं आता, इतने ज़बरदस्त कुशनिंग है ये टायर्स के। बस इसमें एक ही मुझे मतलब पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस में अभी तक गाड़ी चल चुकी है 110,375। सो ये टायर जब डाले थे तभी 95-96,000 गाड़ी चली हुई थी, तो ऑलमोस्ट एक ऑन एन एवरेज 12,000 किलोमीटर हो गया ये टायर्स पे। तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ इतने टाइम के बाद, क्योंकि कैसे जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूँगा कि ये टायर्स कैसे हैं तब तक मैं कैसे वर्डिक्ट दूँ और कैसे आपको बताऊँ 1-2,000 किलोमीटर चला के कि टायर बहुत अच्छा। अरे 1-2,000 किलोमीटर चला के कोई भी दुनिया का चाइना का टायर भी डाल दोगे, चाइनीज टायर भी डाल दोगे, आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है तो पॉइंट पे आते हैं। इसमें सिर्फ एक ही कॉन्स है, मतलब प्रॉब्लम ऐसा है कि जब आप 120 का स्पीड थोड़ा एक्सीड करते हो या 110 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 120 का एक्सीड करते हो तभी आपको थोड़ा रोड नॉइज आएगा, ये टायर्स में आता है। ठीक है 120 प्लस बोल रहा हूँ मैं, उसके 100 पे तो ये मस्का, 100 तो मतलब समझ में भी नहीं आता है रोड पे ऐसे उड़ती है गाड़ी। ठीक है तो 120 के ऊपर अगर आप जाओगे कोई पैच पे तो आपको थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा, क्योंकि ये 120 के लिए बने हैं या नहीं पता नहीं मुझे, बट ऑन रोड रियल एक्सपीरियंस अपन ही मतलब करते हैं, क्योंकि कितना भी उसका स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई करे कि ये रोड नॉइज़ जीरो है, ये ऐसा वैसा वैसे नहीं होता है। इन रियल फैक्टर्स रियल टर्म्स में जो अपन खुद एक्सपीरियंस करते हैं वही असली रिव्यू होता है। तो 120 के ऊपर थोड़ा नॉइज़ करते हैं और कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा जाता है। दूसरी बात, इसके टायर प्रेशर जो है मैंने काफ़ी बार एक्सपेरिमेंट किए कि एक बार 32 PSI रखा चारों टायर में, एक बार 34, तो 34 में गाड़ी हल्की बाउंसी होती है। ठीक है अब ये क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका रबर पार्ट जो है वो थ्रेड्स है वो डीप है और रबर इसमें ज़्यादा है, माइट भी पता नहीं, बट वो थोड़ी जम करती है हल्की हल्की। बट 32 PSI में रखते हैं ना तो एकदम नरम हो जाता है टायर और एकदम मस्त ग्रिप पकड़ के रोड चलती है। तो ओवरऑल सेटिस्फाइड विद दिस टायर और आगे पिछले इसके पहले भी मेरे वी रेटिंग के टायर्स थे, तो वी रेटिंग के टायर्स में प्रॉब्लम ये था कि वेयर एंड टेयर उसका जल्दी हो जाता है, वेयर आउट जल्दी हो जाते हो, क्योंकि वो टायर रहते हैं हाई स्पीड्स के लिए और उसमें मतलब इतना ये नहीं होता। बट उसमें हाई स्पीड अगर आपको गाड़ी बहुत भगानी है 120-130 तो फिर HT हाईवे मतलब हाईवे टेरियन के टायर्स डालो, और अगर आपको एकदम आराम से चलना है मस्त लग्जरी और बोलते कंफर्ट के साथ चलना है तो फिर आप 80 डालो, और 80 में भी आप लाइक 90-115-110 के बीच में मस्त क्रूज कर सकते हो, बहुत स्वीट स्पॉट है वहाँ पे, वहाँ पे ज़्यादा टेंशन भी नहीं होता, माइलेज भी मिलता है और गाड़ी मस्त चलती है। ठीक है तो ये रहा आज मेरा रिव्यू योकोहामा जियोलैंडर GO15 पे। तो काफ़ी अच्छे टायर्स हैं, आप डाल सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, ब्रिजस्टोन भी कंसिडर कर सकते हो या फिर अपोलो नहीं, आई वोंट रिकमेंड
अच्छे रहेंगे, अपने जगह पे रहेंगे, मुझे नहीं पता, बट आई वोंट रिकमेंड अपोलो टायर्स क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा। और ब्रिजस्टोन काफ़ी अच्छे टायर्स हैं बट वो हार्ड कंपाउंड है, थोड़े जम करते हैं और पंक्चर प्रोन टायर है। मेरे दोस्त की गाड़ी में वो पंक्चर बहुत होते हैं, इसलिए बोल रहा था योकोहामा एक मिडिल रेंज में, प्राइस पॉइंट से भी योकोहामा एक अच्छा ऑप्शन है। तो यस हम सब ठीक है, तो चलो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, और कुछ नहीं बस अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं ठीक है। तब तक स्टे सब्सक्राइब एंड स्टे ब्लेस्ड।